अंदर का अपडेट ये सारे प्लेटफॉर्म्स रहे सारे चार्ज एक तो उसका भी पता नहीं। कितने बजे आप आए हैं और अभी आप वापस जा रहे हैं, कितने बजे तक आपको ठहरना पड़ा अंदर? दो चार घंटे ठहरना पड़ा। तो कितने पैसेंजर्स अभी अंदर हैं? बहुत सारे, बहुत कस्टमर हैं। तो क्या बता रहे हैं, स्टेटस क्या है? तो रीशेड्यूलिंग के लिए हवाले से कुछ कहा आपको कल का? लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि अंदर अरेंजमेंट्स कैसी है, जो पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं अरेंजमेंट्स कैसी है? किस तरह की प्रॉब्लम्स है? मतलब वहाँ पर तो वेट सीटिंग फैसिलिटी नहीं है, बस ओवर क्राउडिंग है, एयरपोर्ट से कम बस अलग है। कल हमारे महकमे ने एक एडवाइजरी इशू की थी कि आने वाले दिनों में 4 तारीख से 8 तारीख तक जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं भारी बर्फबारी भी हो सकती है। आज जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और दूसरे इलाकों में तकरीबन 1 फुट बर्फ रिकॉर्ड हुई है। अभी आने वाले दिनों में और मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है और ये सिस्टम लगभग 8 तारीख तक चलेगा। 9 तारीख के बाद मौसम में कुछ तब्दीली आएगी और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आने का इम्कान है, क्योंकि कई इलाकों में बर्फबारी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमने एक एडवाइजरी इशू की है। इसकी वजह से नेशनल हाईवे, मुगल रोड और दूसरे बड़े रोड बंद हो सकते हैं, कहीं पहाड़ी इलाकों में एवलांच आने का भी खतरा है। इसलिए हम लोगों को मशवरा देते हैं कि ऊपरी इलाकों में जहाँ एवलांच का खतरा है बाहर न जाए, क्योंकि इसे कैजुअलिटीज़ का भी हो सकती है, और निचले इलाकों में स्नोफॉल के बाद वाटर लॉगिंग भी हो सकती है, इसलिए बाहर निकलने में, गाड़ी चलाने में एहतियात बरतें। और क्योंकि दिन का टेम्परेचर डाउन हो सकता है, लोग अक्सर घर में बैठते हैं, तो इसकी वजह से वो अक्सर गैस बुखारी और दूसरे कोयले वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान उनको प्रॉपर वेंटिलेशन का ख्याल भी रखना चाहिए। सर, thank you.